हेलो स्टूडेंट्स वोम वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा आज की वीडियो में हम फ्लैमिंगो की बुक से फोर्थ पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सो लेट्स स्टार्ट आर डिस्कशन फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी विलियम वर्ड्सवर्थ जॉन कीट्स, जॉन मिल्टन स्टीफन स्पेंडर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी जॉन कीट्स। जॉन कीट्स वॉज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोएट and he died at the age of 25 next question is from which book has this poem been taken konsi books is poem ko liya gaya hai? Ode to a nightingale o to autumn endymion a poetic romance ode on a grecian urn and the right answer is option c endymion a poetic romance Ye book a greek legend per based hai. इसमें एंडीमियन एक यंग शेफर्ड होता है जिसे गॉडेस सिंथिया से प्यार हो जाता है और उसकी तलाश में वो जंगल में भटकता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच थिंग इज अ जॉय फॉर एवर अकॉर्डिंग टू द पोएट पोएट के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ हमेशा खुशी देने वाली है अ लॉट ऑफ मनी लैविश हाउसेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी ऑल ऑफ दीज एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी अ थिंग ऑफ ब्यूटी नेक्स्ट है वॉट डज द पोइट से अबाउट द लवलीनेस ऑफ अ थिंग ऑफ ब्यूटी एक ब्यूटीफुल थिंग की लवलीनेस के बारे में पोइट क्या कहते हैं इट्स लवलीनेस डिक्रीजिज इट्स लवलीनेस इंक्रीजिज इट्स लवलीनेस गेट्स डिमिनिश्ड नन ऑफ दीज एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी इट्स लवलीनेस इंक्रीजिज नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट डज अ बावर मीन बावर का मतलब क्या होता है अ शेडी प्लेस अ हैप्पी प्लेस अ ग्लूमी प्लेस नन ऑफ दीज एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए अ शेडी प्लेस नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ सेंटेंस आउट ऑफ द फॉलोइंग कन्वेज दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज इमोर्टल कौन सा सेंटेंस ये मीनिंग कन्वे करता है कि एक सुंदर चीज इमोर्टल होती है कभी नष्ट ना होने वाली होती है अथिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर इट्स लवलीनेस इनक्रीजेज इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस बट विल कीप अबावर क्वाइट फॉर अस और सही आंसर है ऑप्शन सी इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस इस लाइन से हमें पता लगता है कि सुंदर चीज इमोर्टल होती है नेक्स्ट है वट विल अ थिंग ऑफ ब्यूटी डू फॉर इट विल गिव अस ए लॉट ऑफ मनी इट विल अस ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स इट विल प्रोवाइड अस हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग बोथ बी एंड सी और सही आंसर है ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी नेक्स्ट है हाउ डज़ द फ्लावरी बैंड हेल्प अस अकॉर्डिंग टू द पोइट पोएट के अकॉर्डिंग फ्लावरी बैंड हमारी हेल्प कैसे करता है इट प्रोवाइड्स अस प्लेजेंट सरप्राइजेज इट बाइंड्स अस टू दी अर्थ इट हेल्प्स अस टू अर्न मनी इट हेल्प्स अस टू लुक ब्यूटिफुल एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी इट बाइंडस अस टू दर्थ नेक्स्ट हैं वॉट डू वी डू ऑन एवरी मोरो अकॉर्डिंग टू द पोएट पोएट के अकॉर्डिंग हम हर मोरो को मोर मीस मॉर्निंग या नेक्स्ट डे हम क्या करते हैं वी गो ऑन मॉर्निंग वॉक वी टेक एक्सरसाइज वी टेक हेल्थी ब्रेकफास्ट वी आर रीडिंग अ फ्लावरी बैंड और सही आंसर है ऑप्शन डी वी आर रीडिंग अ फ्लावरी बैंड नेक्स्ट है विच काइंड ऑफ इन ह्यूमन डर्थ डज द पोएट टॉक अबाउट डर्थ मीन्स लैकनेस पोएट कौन सी कमी के बारे में बात करते हैं ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ मिनरल्स ऑफ प्योर वाटर और सही आंसर है ऑप्शन ए ऑफ नोबल नेचर्स पोएट को लगता है कि अच्छे दिल वाले लोगों की बहुत ही ज्यादा कमी हो गई है नेक्स्ट है व्हाट डज द पोएट मीन बाय डिस्पोंडेंस इन द फ्रेज स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस इस फ्रेज में डिस्पोंडेंस का क्या मीनिंग है डिप्रेशन सैडनेस सुइसाइड बोथ ए एंड बी और सही आंसर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी नेक्स्ट है विच नेगेटिव थिंग्स डज द पोएट फाइंड ऑन द अर्थ दैट मेक आर लाइफ पेनफुल पोएट को धरती पर कौन सी नेगेटिव चीज़ें दिखाई देती हैं जिनसे हमारी लाइफ पेनफुल बन जाती है लैक ऑफ नोबल नेचर्स अनहेल्थी एंड ओवर डार्कन वेज फॉर आर सर्च डिस्पोंडेंस ऑल ऑफ दीज और सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट है विच थिंग मूवस अवे द पोल फ्राम आर डार्क स्पिरिट्स और रिलीव आर टेंस एंड डिप्रेस्ड माइंडस पोइट के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ है जो हमारी सैड डिप्रेसड माइंड को रिलीव करती है सुकून देती है पॉजिटिव थिंकिंग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मनी सम शेप ऑफ ब्यूटी एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी सम शेप ऑफ ब्यूटी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्यूटिफुल थिंग्स डज द पोइट मैंशन इन द पोयम कौन कौन सी सुंदर चीजें पोएट इस पोयम में मैंशन करते हैं द सन एंड द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग डेफाडिल्स एंड क्लियर रिल्स ऑल ऑफ दीज और सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट है हु मेक अ कूलिंग कोवर्ड फॉर देम सेल्वस अगेंस्ट द हॉट सीजन गर्मी में कौन कूलिंग कोवर्ड बनाते हैं डैफाडिल्स सिंपल शीप क्लियर रिल्स मस्क रोजेज और सही आंसर है ऑप्शन सी क्लियर रिल्स रिल्स मीन्स छोटी छोटी नदियाँ स्ट्रीम्स नेक्स्ट क्वेश्चन है अशेडी बून फॉर सिंपल शीप रेफर्स टू ये फ्रेज किसको रेफर करता है प्रोटेक्शन ऑफ द होल मैन काइंड बाय जीजस क्राइस्ट प्रोटेक्शन ऑफ शीप बाय ह्यूमन बीइंग्स प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स बाय जीजस क्राइस्ट प्रोटेक्शन ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन बाय ह्यूमन बींग्स और सही आंसर है ऑप्शन ए प्रोटेक्शन ऑफ द होल मैनकाइंड बाय जीजस क्राइस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्लावर्स आर ब्लूम्ड अमिडस्ट द फॉरेस्ट ब्रेक फॉरेस्ट ब्रेक में कौन से फूल खिले हुए हैं लोटस डेफेडिल्स मस्क रोजेज सनफ्लावर्स और सही आंसर है ऑप्शन सी मस्क रोजेज नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेल्स हर्ड और रेड बाय अस आर कोल्ड ब्यूटिफुल बाय द पोएट पोइट के अकॉर्डिंग कौन सी कहानियाँ जो हम सुनते हैं या पढ़ते हैं वो सुंदर होती हैं टेल्स ऑफ एनिमल्स टेल्स ऑफ मजिशंस टेल्स ऑफ माइटी डेड पीपल टेल्स ऑफ चिल्ड्रन इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टेल्स ऑफ माइटी डेड पीपल नेक्स्ट है हु आर दीज माइटी डेड पीपल अकॉर्डिंग टू द पोएट पोइट के अकॉर्डिंग ये माइटी डेड पीपल कौन हैं ब्रेव पीपल Who sacrificed their lives for the welfare of mankind? Brave rich people who left a lot of money for their family members. Brave poor people who sacrificed their lives for their family members. None of these. और सही आंसर है ऑप्शन ए वे बहादुर लोग जिन्होंने मानवता के भले के लिए welfare के लिए अपनी लाइफ को कुर्बान कर दिया। Next question है, from where does the endless fountain of immortal drink flow? Immortal drink का एंडलेस फाउंटेन कहाँ से बहता है फ्रॉम द मून फ्रॉम द सन फ्रॉम द हेवन फ्रॉम द स्काई और सही आंसर है ऑप्शन सी फ्रॉम द हेवन नेक्स्ट है वॉट डज द एंडलेस फाउंटेन ऑफ ए मोर्टल ड्रिंक फ्रॉम द हेवन मीन इस फ्रेज का क्या मतलब है फाउंटेन ऑफ सेक्रेड वाटर फाउंटेन ऑफ नेक्टर फाउंटेन ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस गिवन बाय ब्यूटीफुल थिंग्स ऑल ऑफ दीज इसका भी सही आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर फाउंटेन का मतलब है वो खुशी वो जॉय जो ब्यूटीफुल थिंग्स हमें देती हैं नेक्स्ट है व्हाट डज द पोएट मीन बाय द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स अ पर्सन हु कैन स्केप डेथ इज़ वेरी मजेस्टिक देर इज मजेस्टी एंड ब्यूटी इन डेथ इट डेथ इज ऑलवेज हॉरिबल नन ऑफ दीज और सही आंसर है ऑप्शन बी देर इज मजेस्टी एंड ब्यूटी इन डेथ इट्सल्फ पोएट मानते हैं कि लास्ट डे ऑफ जजमेंट जो वो लास्ट दिन होता है उस दिन गोड रिवॉर्ड देते हैं या पनिशमेंट देते हैं तो डेथ में भी एक तरीके की मजेस्टी और ब्यूटी होती है नेक्स्ट है वॉट इज द थीम ऑफ द पोएम पोएम की थीम क्या है ब्यूटिफुल थिंग्स गिव अस परमानेंट जॉय एंड हैप्पीनेस ब्यूटिफुल थिंग्स रिलीव आर टेंशन एंड कनेक्टस विद लाइफ ब्यूटिफुल थिंग्स हेल्पस टू अर्न मनी बोथ ए एंड पी और सही आंसर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी ब्यूटीफुल थिंग्स हमें परमानेंट जॉय देती हैं हमारी टेंशन को दूर करती हैं और हमें लाइफ से कनेक्ट करती हैं नेक्स्ट है विच पोएटिक डिवाइस इज़ यूज्ड इन द सिंपल शीप एंड कूलिंग कोवर्ड एलिटरेशन सिमिली एंडसिस इनवर्जन और सही आंसर है ऑप्शन ए एलिटरेशन देखिए सिंपल शीप दोनों ही वर्ड्स स कॉन्सोनेट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं ऐसे ही कूलिंग कोवर्ड क साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं तो यहाँ पर एलिटरेशन यूज़ किया गया है नेक्स्ट है वॉट इज़ द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम इस पोएम की राइम स्कीम क्या थी बच्चों ए ए बी बी सी सी यस हम आगे पढ़ेंगे ही नहीं ऑप्शन ए इज़ राइट And here our discussion comes to an end. For more videos, please subscribe to my channel English Classes with Sheetal Sharma. Thank you very much for watching this video.